से पर्यावरण की रक्षा करना, समाज की सेवा करना, जितने भी जो कार्य समाज में जो कुरीतियाँ हैं पुरानी, उनको दूर करना, लोगों को अच्छी भावनाओं से जोड़ना। हिंदू संस्कृति का जो है एक हम वो मतलब भगवा जो लेकर इस बात को लेकर ये कांवड़ यात्रा का हमारा उद्देश्य है। इस वर्ष कितनी संख्या इसमें सम्मिलित? इस वर्ष कांवड़ यात्रा में लगभग 1000 से 1100 कांवड़ यात्री इस बार शामिल हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक इसका आयोजन किया जाता है और कितना समय लगता है? कांवड़ यात्रा जो माँ नर्मदा का धाराजी तट, जो कि हम कहें मध्य प्रदेश ही नहीं एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहाँ से लगाकर बाबा भोलेनाथ की नगरी महाकाल उज्जैन तक की यात्रा की जाती है और जलाभिषेक भगवान बाबा का किया जाता है। कितना समय लगता है यात्रा पूरी करने में और कितना किलोमीटर का सफ़र हो जाता है? इसमें एक सप्ताह पूरा लगता है। मंगलवार से 2 अगस्त से यात्रा प्रारंभ हुई थी, 9 अगस्त को बाबा का जलाभिषेक कर यात्रा पूर्ण होगी। लगभग वैसे तो 160 किलोमीटर की यात्रा है, परंतु विभिन्न ग्रामों में अंदर से बाहर से लगा के 180 किलोमीटर लगभग यह यात्रा में तय करना पड़ती है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।